डिसेबिलिटी आप देख सकते हैं। प्रेमकांत को जब ये 14-15 साल के थे तो फ्रैक्चर हुआ था और तब से ही लिम्ब में शॉर्टनिंग है और आप देख सकते हैं कि कैसे पेशेंट लर्च कर रहा है और इससे कितना स्ट्रेस इनके स्पाइन पे पड़ रहा है और कितना स्ट्रेस इनके अपोजिट लिम्ब पे पड़ रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी क्लियर। तो पेशेंट इतने सालों तक ऐसे चलते रहे, लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो ये डिसेबिलिटी और पेन और भी ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। नमस्कार, हम प्रेमकांत के साथ हैं जो उड़ीसा से हमारे पास आए हैं। इनकी उम्र है 34 और पिछले लगभग 20 साल से इनको राइट हिप में प्रॉब्लम है। क्या हुआ था 20 साल पहले प्रेमकांत? 20 साल पहले एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट होने में ये हड्डी टूटा था। अच्छा। तो इसका ऑपरेशन हुआ था, रॉड लगवाया था। रॉड लगवाया? ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि तो उसके बाद मैं खेलता घूमता फिरता सब कुछ करता रहा। कोई पता नहीं चला 18-19 साल तक। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से मतलब ज्यादा मुश्किल बढ़ गई। मतलब क्या? मतलब जैसे ये चलना फिरना, दर्द यहाँ करना। पर ये जो लंगड़ाहट है ये पहले भी नहीं होगी? पहले नहीं था सर। पहले लचक के नहीं चलते थे? पहले लचक के इतने मतलब अभी कह रहा हूँ ना 1-1.5-2 साल से मतलब ये हुआ ज्यादा हो गया। मतलब पहले तो ना के बराबर मतलब पता ही नहीं चलता था। अच्छा। अभी क्या है कि ये पता चल रहा है, ये जैसे जितने छोटा वो इतने दर्द मतलब महसूस हो। तो फिर जो काम हम करते हैं उसमें दिक्कत आ रही है? अभी तो दिक्कत आ रही, पहले तो नहीं आ रही। पहले सब कर रहे थे। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ा बॉडी में स्टिफनेस आती है तो पेन शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस। हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट देख चुके हैं जिनमें बचपन में काफी अच्छे से चलता रहता है पेशेंट, लेकिन जैसे जैसे 30 के आसपास पहुंचते हैं, 30 क्रॉस करते हैं तो ये दिक्कत आती है। इनका पैर छोटा है, कमजोर है और चलने में बहुत लचक है इनको। तो ये इस उम्मीद से आए हैं कि हम सर्जरी करें और ये सारी चीजें करेक्ट हो जाए। पैर की जो लंबाई है वो भी ठीक हो जाएगी, दर्द भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पैर पतला है इसको बराबर करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसमें 1-2 साल भी लग सकता है, वो मेहनत करनी पड़ेगी हमें ताकि जो स्ट्रेंथ है पैर की वो बराबर हो। चलिए सपोर्ट ले लो साइड में। हाँ, सपोर्ट लेकर चलो, नहीं तो मुश्किल होगा ना आपके लिए। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है। आ जाओ नीचे। तो कितना जो कॉन्फिडेंस होता है पेशेंट वो बिल्कुल भी नहीं था। एंड ही स्केयर्ड ऑफ गिर ना जाए। वहाँ बैठिए। खड़े हुए सामने तक आओ। तो स्पाइन का कर्वेचर पूरा हाई। दोबारा बैठिएगा। स्पाइन का कर्वेचर पूरा लॉबेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार फिर डर तो नहीं है मन में सर्जरी के लिए? पूरे कॉन्फिडेंस हैं? कॉन्फिडेंस। ऑल द बेस्ट। तो प्रेमकांत का एग्जामिनेशन में सबसे पहला पार्ट है कि शॉर्टनिंग है, राइट साइड में लगभग 2.5 इंच की शॉर्टनिंग है, पैर छोटा है। दूसरी चीज़ है कि मसल वेस्टिंग है। 20 साल से इस पैर पर पूरा वजन नहीं डाल पा रहे, उस वजह से इधर की जो थाई मसल्स हैं ये कंपेरिजन टू दिस साइड लगभग 50% है, मसल्स काफ़ी वीक है। पहले लेफ्ट साइड की मूवमेंट देखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट है क्योंकि इसी पैर पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं तो इसकी मसल्स कंपैरेटिवली वैसे भी स्ट्रांग हो जाती हैं। अब राइट साइड देखते हैं कितना मोड़ पाते हैं। तो फ्लेक्शन अराउंड 80 डिग्री तक है, लेकिन रोटेशन बहुत लिमिटेड है। जैसे मैं रोटेशन की कोशिश करता हूँ पूरा पेशेंट मूव कर रहा है, दैट मीन्स की स्टिफनेस है। अगर अबडक्शन देखते हैं इस साइड तो बहुत अच्छे से अराउंड 30-40 डिग्री तक जा रहा है और इस साइड जस्ट 20 डिग्री, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। पैर की उंगलियां चलाएं अच्छे से। अच्छी बात यह है कि इनका टेंडर क्लिस टाइट नहीं है जो नॉर्मली होता है क्योंकि ये हील टच करके चल रहे हैं और इनके टोज में जो डिफॉर्मिटी होती है कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है वो भी नहीं है क्योंकि ये एड़ी को जमीन पर रख के चलते हैं तो पैर में कोई टेढ़ापन नहीं है। और जो वेलगस डिफॉर्मिटी एक नी में होती है जब भी बचपन से छोटा होता है पैर तो वो भी नहीं है। तो इनके लोअर पार्ट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो हिप में है और वो सर्जरी से हम करेक्ट करेंगे। तो प्रेमकांत का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे हम देख रहे हैं। इसमें पहली चीज़ ये है कि जो जॉइंट है इनका हिप जॉइंट राइट साइड का ये पूरा डैमेज्ड है, इसमें ये बहुत सारी ऑस्टिफाइट बनी हुई है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये एक्स्ट्रा बोन बनी हुई है चारों तरफ। तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जब इनको इंजरी हुई थी तो इनकी यहाँ भी सर्जरी हुई थी और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ भी फ्रैक्चर था जो अब जुड़ गया है। ये बहुत सालों पुराना फ्रैक्चर है, अभी बिल्कुल स्ट्रांग है। इसका अब हमें वो डर नहीं है कि अगर हम ऑपरेट करेंगे तो इसमें कोई क्रैक आ सकता है, क्योंकि बोन काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट की जो लेग है वो 2.5 से 3 इंच छोटी है इस फ्रैक्चर की वजह से। तो हमें हिप रिप्लेसमेंट के साथ साथ इस लेंथ को भी वापस मेंटेन करना है। इसी पैर छोटा होने की वजह से पेशेंट लंगड़ाकर चल रहे हैं और बहुत डिसेबल्ड हैं। ये सर्जरी के बाद का आप एक्सरे देख रहे हैं। इसमें नॉन सीमेंटेड कप डाला गया है और एक स्क्रू भी हमने डाल दिया था सेफ्टी के लिए। हालांकि इनकी बोन काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी क्योंकि पेशेंट का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमने उसके लिए सिक्योरिटी के लिए एक स्क्रू डाला है। और ये जो हमारा स्टेम है ये पूरा बिल्कुल फ्रैक्चर तक गया हुआ है। तो इसमें यही चैलेंज था कि जब इतनी सारी बोन एक्स्ट्रा बन जाती है तो उसमें जो स्पेस क्रिएट करना पड़ता है इम्प्लांट के लिए वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन रीमर के साथ हमने इसको स्पेस को बनाया है और ये एक बहुत वेल फिटिंग इम्प्लांट है। पेशेंट की लेग लेंथ भी करेक्ट हो गई है और पेशेंट ऑलरेडी फुल वेट बेयरिंग चल रहे हैं। तो प्रेमकांत के पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो 2.5 से 3 इंच की शॉर्टनिंग थी वो बिल्कुल इक्वल हो गए हैं, दोनों पैर बराबर हो गई है लंबाई। और मूवमेंट्स अगर देखें, राइट साइड की हमने सर्जरी की है मोड़, तो ऑलरेडी अराउंड 70 डिग्री मूवमेंट है और अभी सिर्फ 48 आवर हुए हैं 48 घंटे में सर्जरी के। रोटेशंस बिल्कुल ठीक हैं और अबडक्शन अडक्शन भी बिल्कुल फ्री हैं। तो यही पेशेंट की उम्मीद होती है सर्जरी से कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको वो करेक्ट हो जाएँ। तो अब हम प्रेमकांत की वॉकिंग शुरू कराएंगे और आज देखते हैं कैसा चल रहा है। जब भी चलेंगे पहले लंबे सांस लेंगे, बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। कोई चक्कर आएगा तो रुकना है, ठीक है ना, एकदम नहीं चलना। ओके, कई बार गिर जाते हैं। ठीक लग रहा है? अब पैर में झंझनाहट तो नहीं हो रही? तो रमाकांत 3 महीने बाद आए हैं और चाल में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। हालांकि थोड़ी सी लचक है अभी राइट साइड में, जो लिम्ब शॉर्टनिंग की वजह से नहीं है, वो मसल वीकनेस की वजह से है। और जैसे जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट होती जा रही है और मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में लगभग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पर जितनी लचक पहले थी, जितनी डिसेबिलिटी पहले थी, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। चलिए, तो बिल्कुल नॉर्मल सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई पेन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। आ जाइए, आ जाइए। तो एक परफेक्टली नॉर्मल हिप, नॉर्मल लिंब है। बैठिए, खड़े हो गए, यहाँ तक आइए। यस, स्पाइन में जो कर्वेचर था वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। एक बार फिर बैठिए, एक बार फिर आइए। के बाद हम रमाकांत का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं टांग की लंबाई बिल्कुल बराबर है। पहले 2.5 इंच छोटी थी इनकी राइट लेग। अभी जो थोड़ा डिफरेंस बचा हुआ है वो है मसल में। अभी मसल्स पूरी नहीं आई हैं, हालांकि अब चलना फिरना शुरू हो गए हैं, मसल बेटर हो गई हैं पहले से, बट अभी भी अराउंड 20% का डिफरेंस है। मुझे लगता है जैसे जैसे और चलेंगे, इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे पैर को, तो ये और भी बेटर होगा। दूसरी चीज़ है कि ग्लूटियल मसल्स, तो हम उस पर एक्सरसाइज करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। तो जो हल्की सी लचक है अभी चाल में वो भी हमें ठीक करनी है। मूवमेंट्स पहले हम देखते हैं। लेफ्ट साइड जो नॉर्मल है, 90 डिग्री फ्लेक्शन है, रोटेशन बिल्कुल फ्री है और अबडक्शन भी पूरा 40 डिग्री है। राइट साइड, इसमें भी देखिए 90 डिग्री फ्लेक्शन है, रोटेशन बिल्कुल फ्री हैं और अबडक्शन भी अराउंड 40 डिग्री है। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। और अभी 3 महीने हुए हैं। अब पहली बार रमाकांत चौकड़ी लगाना और ज़मीन पर बैठना, जैसे उकड़ू बैठना होता है, वो आज शुरू करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसा करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइट लग रहा है, क्योंकि पहली बार बैठे ना, तो थोड़ा सा टाइट लग रहा है। चलो खड़े हो जाइए एक बार। अब आपने उकड़ू बैठना है, थोड़ा सा अभी भी टाइट लग रहा होगा क्योंकि कोई काफी दिनों बाद लग रहे हैं तो यहाँ थोड़ा टाइट लग रहा है। एक बार फिर चौकड़ी कर रहे हैं तो बिल्कुल इजीली कर पा रहे हैं। सिर्फ ये है कि अभी ये मसल्स थोड़ा टाइट है क्योंकि काफी दिनों से बैठे नहीं है ऐसे, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे बेटर होगा।